A very good morning to all. In the previous video, we have started chapter 3, India, physical and political divisions. Today also we will continue with the chapter. Now today we will start with the topic, the island regions. Island regions ke baare mein hum yahan pe padhenge. What is island? First of all, let me tell you what is an island. An island is a piece of land surrounded by water on all sides. Island kya hota hai? Ek piece of land hai jo ki charo or se water se covered hota hai. Charo or se wo surrounded with them. There are many small islands along the two coastal plains. Two coastal plains mein, western or eastern coastal plains jo humne padha tha, theek hai? These are also island. And jo baki aur bhi bahut sare islands hai jinko hame aage padhna hai. Jaise aap ek example le sakte hain. You can take one example of it. Islands ke jaise ki aapka Andaman and Nicobar island hai, Lakshadweep island hai, ye sare islands hai, theek hai? Is a group of islands in the Bay of Bengal. Another group of islands is the Lakshadweep Island, situated in the Arabian Sea. It is the smallest union territory of India. Lakshadweep ek union territory bhi hai aur ye smallest union territory of India hai. Okay. Now ab hum neighboring countries padhenge. India ke aas paas jo bhi countries hain unke bare mein padhenge. Kaun kaun si countries hain? India as a subcontinent is surrounded by some countries which are known as her neighbors. India shares its boundary with Pakistan in the west, China in the northeast, Nepal in the north, Bhutan, Bangladesh and Myanmar in the east, and Sri Lanka and Maldives in the south. These are the names of the countries which are the neighboring countries of India. These are our neighboring countries. Okay. What is the meaning of peninsula? Peninsula, a large mass of land projecting into a body of water. मीन्स ये प्रोजेक्ट हो रहा है ना, ये बॉडी, ये आपकी बॉडी, ये लैंड मास है, ये प्रोजेक्ट हो रहा है वाटर में, डीपली घुसने की कोशिश कर रहा है. तो दैट इज ये आपका पेनिनसुला हो गया जो थ्री साइड से वाटर से कवर होता है. ओके, इसीलिए इंडिया को हम पेनिनसुला रीजन भी कहते हैं. सब कॉन्टिनेंट, अ लार्ज एंड डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ अ कॉन्टिनेंट. इंडिया इज द सेंटर ऑफ मेनी रिलीजन्स. इंडिया बहुत सारे रिलीजन्स रहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स के लोग रहते हैं. इंडिया इज होम टू वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशंस. यहाँ की सिविलाइजेशंस भी बहुत पुरानी है, कल्चर बहुत पुराना है. एंड हैज गिवन बर्थ टू फोर मेजर रिलीजन्स, वर्ल्ड रिलीजन्स. कौन कौन से? हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड सिखिज्म. ये इंडिया के फोर मेजर रिलीजन्स हैं. इंडिया अब पॉलिटिकल डिविजन हम इसका पढ़ेंगे. ये आप देख रहे हैं स्टेट्स में डिवाइडेड हो गया कंट्री जो है हमारी इंडिया, ये स्टेट्स में डिवाइडेड हो गई है. दैट इज ये पॉलिटिकल डिविजन है, यहाँ पे पॉलिटिकल डिविजन को शो कर रहा है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ द 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज, कलेक्टिवली कॉल्ड द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. दिस इज कॉल्ड द रिपब्लिक ऑफ इंडिया. 28 स्टेट्स हैं हमारे और 9 यूनियन टेरिटरीज हैं. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को टोटली गवर्निंग अथॉरिटी मिली हुई है इनको एज अ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इसको संभालने के लिए. ठीक है, इट इज डिफिकल्ट. अब ये डिफिकल्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कि सारी कंट्री, मतलब पूरी कंट्री के हर स्टेट को गवर्न करना बहुत ही मुश्किल है इतनी बड़ी कंट्री का. सो द गवर्नमेंट हैज बीन फॉर्म्ड एट टू लेवल्स. गवर्नमेंट टू लेवल्स पे फॉर्म हो गई, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट ओवरऑल कंट्री को फॉलो करती है, देखती है, गवर्न करती है. बट स्टेट लेवल देखा जाए तो अगर गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर है तो वो स्टेट गवर्नमेंट कहलाती है. ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं. ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है. ईच स्टेट हैज अ गवर्नमेंट ऑफ इट्स ओन विच कंसिस्ट ऑफ अ गवर्नर. यहाँ पे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यहाँ पे गवर्नर और चीफ मिनिस्टर होते हैं और बाकी अदर मिनिस्टर्स होते हैं. ठीक है, ये डिफरेंस है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में. सम एरियाज ऑफ द कंट्री आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द 28 स्टेट्स एंड आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज. इसको हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं क्योंकि कुछ एरियाज हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उनको डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती है. दैट्स वाई वो उसको हम यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं. 28 स्टेट्स हैं, उनके स्टेट गवर्नमेंट है. जो यूनियन टेरिटरीज होती है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है. सो देर आर 9 यूनियन टेरिटरीज. दीज आर द नेम्स ऑफ द 9 यूनियन टेरिटरीज. 3 यूनियन टेरिटरीज, द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी हैव देयर ओन लेजिस्लेचर्स. इनके खुद के लेजिस्लेचर्स हैं. ये 3 यूनियन टेरिटरीज हैं, एनसीटी, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी. इनके खुद के लेजिस्लेचर्स हैं और
एवरी स्टेट हैज इट्स ओन कैपिटल, हर स्टेट का एक कैपिटल होता है. जैसे आपके राजस्थान का कैपिटल जयपुर है, गोवा का आपका पणजी है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ है. तो इसी तरीके से सबके अपने अपने कैपिटल्स होते हैं. राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट स्टेट. उत्तर प्रदेश इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट एंड अरुणाचल प्रदेश हैज द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. मतलब अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम डेंसिटी है पॉपुलेशन की, मतलब यहाँ पे लोग कम रहते हैं. द वराइटी ऑफ लैंड सर्फेस फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेट अफेक्ट द ईटिंग हैबिट्स ऑफ पीपल एंड ऑल्सो डिटरमाइन वेयर दे चूज टू लिव एंड वर्क. ये डिपेंड करता है लैंड सर्फेस कैसा है, फिजिकल फीचर्स कैसे हैं, क्लाइमेट कैसा है, उसके हिसाब से लोगों की ईटिंग हैबिट्स डिपेंड होती है और वो डिसाइड खुद कर लेते हैं कि कौन कहाँ पे रहना पसंद करता है और काम करना पसंद करता है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. चैप्टर इज ओवर नाउ. नाउ स्टेट और कैपिटल यहाँ पे दिए हैं, यूनियन टेरिटरीज सेपरेट दी हैं. यू शुड लर्न द स्टेट्स एंड कैपिटल्स प्लस यूनियन टेरिटरीज. ओके, एंड विद द कैपिटल्स, ये आपको पूरा लर्न करना है, स्टेट्स एंड कैपिटल्स प्लस यूनियन टेरिटरीज. We will attach the answer sheets afterwards. Answer sheets आपको बाद में मिल जाएंगी. Thanks for listening.